हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी, कैसे हो सभी? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं तैयारी कर रही हूँ शिरडी जाने की। तो मैंने बहुत सारे अभी कपड़े उपड़े देख सकते हो, सब फैले हुए हैं। बैग भी अभी खाली है, कुछ लगा नहीं है। मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना आधा बन चुका है और आधा मुझे बनाना है। तो अभी टाइम हुआ है, 10 बज रहे हैं। दस बजे इसलिए बना रही हूँ खाना क्योंकि खाना बनाने के बाद में मैं उसे ठंडा करूँगी, रखूँगी फ्रिज में ताकि वो कल हम खा सकें। गरम गरम खाना टिफ़िन में भरने से ख़राब हो जाता है। तो मैंने अभी क्या क्या बना लिया है और क्या क्या बनाऊँगी तो वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने बनाए हैं छोले, अभी ये सुबह के लिए बनाए हैं। तो छोले मेरे अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, गैस मैंने बंद कर दी है। और इसमें बनाया मैंने कढ़ाई पनीर, एक सेकेंड। और ये देखो मेरा पूरा किचन किस तरह से फैला हुआ है अभी। हाँ, तो ये है मेरा कढ़ाई पनीर और ये भी बन चुका है। तो इसके साथ में मैं बनाऊंगी या तो रोटी या फिर पूड़ी। पूड़ी नहीं बनाऊंगी, पराठा बना सकती हूँ, रोटी या फिर प्लेन पराठा। और इसके साथ में बनाऊंगी मैं चावल, छोले चावल और रोटी और ये कढ़ाई पनीर। तो ये मैंने सुबह के लिए बनाया है। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। एक चीज़ और मुझे बनानी है और वो होगा पास्ता। पास्ता मैं ज़रूर बनाती हूँ सफ़र में, मुझे बहुत पसंद है। और इसके मैं एक या दो पराठे बना लूँगी या फिर कचौड़ी बना दूँगी या कुछ इस तरीके का बनाऊंगी इसका, क्योंकि ये सुबह का मेरा बचा हुआ है। सुबह मैंने आलू का पराठा बनाया था तो उसका ये बचा हुआ है अभी। और बस अब मुझे ये जल्दी से पैकिंग करनी है। तो ये है हमारे जाने का, सुबह 5 बजे की ट्रेन है, सुबह 4 बजे हम पहुंच जाएंगे स्टेशन। इस बार लेट नहीं होना है, इस बार लेट नहीं होंगे और इस बार जल्दी 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगी स्टेशन पे। हम लोग जब जैसलमेर जा रहे थे तो बड़ा हंगामा हो गया था, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे। वो तो शुक्र है कि ट्रेन हमें मिल गई थी वरना छूट जाती। तो ये अभी मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, अब मुझे बस बैग लगाना है, बाकी प्रेस वगैरह सब हो गई कपड़े पे और रखने हैं। और बाकी खाना, 2 सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी मैं सुबह ही डालूंगी, मतलब जब जाएंगे। अभी बस 10 बज चुके हैं, बाकी देखते हैं सुबह होती है क्या होता है। और राइस मैं अभी बनाऊंगी, राइस को भी थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है, राइस वैसे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो रोटी और राइस मेरी बच रही है, वो मैं देखूंगी बनाऊंगी, और या तो अभी बनाऊंगी या फिर रुक के बनाऊंगी। सोना नहीं है, मैं आज दिन में सो चुकी हूँ 2 घंटे। और बस, तो अभी सुबह मिलते हैं जब हम निकलेंगे और बच्चों को सुला देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सोना ज़रूरी है। और फिर मैं सुबह मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। सो गाइस, अभी सुबह के टाइम हो रहा है 3:50, यानी कि 4 अभी बजे नहीं है। और हमारी जो ट्रेन है वो है सुबह 5 बजे की निजामुद्दीन स्टेशन से, और ये है निजामुद्दीन स्टेशन से कोपर गांव के लिए। और ट्रेन का नाम है निजामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस, तो उसे हम जाएंगे। अभी सुबह हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं और जब कैब आ जाएगी उसके बाद हम जाएंगे। और रास्ते में जो जो होगा उसका लाइव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी वेट कर रहे हैं हम, और ये लीजिए कैब हमारी आ चुकी है। तो अभी हम इसमें जाएंगे और आगे का व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जाना है इसलिए उतर गए, पापा जाएंगे हमारे साथ इस बार। और ये जो आके सो गई है हमारे, अरे उठ गए जो, तो क्या हुआ ये जो, तुम तो सो गए थे अभी। ये जो नींद आ रही है, आ रहे हैं पापा। पापा चार्जेस की चार्ट देखने गए, चार्ट ये जो हमारी। तो ये है हमारी ट्रेन
और सीट है हमारी, एक्चुअली सीट हमारी अलग अलग है, और एक सीट है हमारी यहाँ पे और एक सीट है 8 कोच 8 में और एक है 7 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करके अपनी जो सीट है उन्हें एडजस्ट कर लेंगे। और ये स्लीपर कोच है, स्लीपर क्लास है, तो ये स्लीपर क्लास भी बड़ी मुश्किल से हुई है। इसके लिए भी मैंने पर टिकट 500 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये भी नहीं हो रही थी क्योंकि एकदम से हमारा प्लान बना था आने का, और इसलिए ये मुझे करना पड़ा। इसके लिए भी मुझे पर टिकट 500 देना पड़ा है। सम्राट का हाफ टिकट लगा है और हमारा फुल, और एक जगह कोई टिकट लगा ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। वैसे मैं अभी जैसलमेर होके आई थी, तो स्लीपर क्लास जो उस ट्रेन का था, दोनों साइड का आने का भी जाने का भी, बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, बहुत नीट एंड क्लीन था। और ये थोड़ा सा मुझे क्लीन नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी जाना तो इसी में है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हम कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, टाइम अभी बहुत है हमारे पास, 15 से 20 मिनट पहले ही हम आ चुके हैं, क्योंकि ये ट्रेन 5 बजे जाएगी और 4:30 बजे हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो ट्रेन हमारी चल चुकी है, ऑलमोस्ट अभी दिन निकल ही चुका है। तो क्योंकि दिल्ली NCR में गर्मी के टाइम में अभी आप देख रहे हो दिन ही निकल चुका होता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, टाइम नींद हमें आ रही है क्योंकि रात भर सोए नहीं है, रात भर इसी तैयारी में लगे रहे थे, जाना है जाना है। और कभी कहीं जाना होता है तो एक दिन पहले से ही नींद और प्यास, खाना पीना सब उड़ जाता है, तो यही रहा। और अभी ट्रेन चल रही है तो नींद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ, AJB सो रही है, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है अभी। सो गाइस, मैं सोच रही थी और मैंने वीडियो में बताया भी था आपको कि मैं अपनी जैसलमेर वाली जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर करूँगी, बट वो वीडियो प्रीवियस हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो लाइव चल रहा है वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूँ, वो तो ऑलरेडी लेट हो चुकी है, तो उन्हें मैं दोबारा बाद में ही शेयर करूँगी। बट रिसेंटली हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो वहाँ का ट्रिप मैं आपके साथ डायरेक्ट अभी शेयर करती हूँ, आज की डेट का जो कि हमारा प्रेजेंट है। और जो जैसलमेर है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो क्यों ना उन्हें थोड़ा सा और डिले करें, इस वजह से मैं अपनी वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ से हम जा रहे हैं शिरडी, तो शिरडी का जो भी होगा वहाँ का जो ट्रिप रहेगा वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगी, और जैसलमेर का उसके बाद में। अभी हमें लग रही है भूख यहाँ पे, और हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं। खाना तो मैं बहुत सारा लेके आई हूँ, और अभी जो है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो चलो अभी हम खाते हैं कुछ। AJ सो रही है और हम यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, खाना खा लेंगे, और जब वो उठेगी तो मैं उसे दोबारा से खिला दूँगी। हो गई गाड़ी।
बाय भाई, इतना नहीं खोल रहे। अरे मैंने बोर्ड पढ़ा ही नहीं, बोर्ड है कहाँ? बोर्ड उधर रहेगा पीछे, अगर नहीं है। हाँ यही है। कोपर गांव कितने बजे पहुंचे हम? कितने टाइम देखा? 1:30 बजे पूरा फिक्स टाइम पे निकाला है, 1:30 बजे। तुम रहने दो, तुम नहीं ले जा सकते। हाँ मयूर जो, अच्छा लो ये जो, चलो अभी शिरडी नहीं, अभी शिरडी दूर है। कितना टाइम लगता है यहाँ से? 1 घंटा लग जाता ना। आ जा ना, आगे आ जा। कितने लोग आ रहे हैं देखो, रात के 1:30 बज रहे हैं। यही ट्रेन इधर आओ, इधर आओ। तो अभी हम आ चुके हैं कोपर गांव। कोपर गांव से हम लोग जाएंगे शिरडी, मंदिर है जहाँ पे। तो ये रास्ता मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम भी ख़राब है यहाँ का, और देखते हैं अभी। तो ये इस तरह का व्यू है, यहाँ से आप निकलोगे स्टेशन से, कोपर गांव से, तो उसके पीछे से निकल के जब आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑटो जीप आपको मिलेंगे। और ये जीप और ऑटो का जो पर पर्सन प्राइस है वो है 100 रुपये, 100 रुपीज़ पर पर्सन। और ये आपको मंदिर के बाहर ही छोड़ देंगे, आपका जो भी लगेज है वो इसी में लेके जाएंगे। और आपका चार्जेस होगा पर पर्सन 100 रुपीज़, और बच्चों का कोई पैसे नहीं है। तो अभी हम इसी में जाएंगे हम सब, और ये हमें मंदिर के बाहर छोड़ देंगे, और वहाँ से हम होटल करेंगे। तो होटल बहुत सारे हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं। तो हम आ चुके हैं शिरडी, और यहाँ पे मंदिर हमारे राइट साइड से थोड़ा सा ही दूर है, बट यहाँ बारिश हो रही है। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और देखते हैं अभी कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं। बारिश बहुत गंदी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। अभी हम यहीं पे सामान रख के खड़े हों और देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे तो मतलब उसी टाइम हम जब आए थे तो उस टाइम हम रुके थे यहाँ, ओम पार्क एक होटल है वहीं पे हमें रुकना है, बट अभी वो समझ नहीं आ रहा हमें कहाँ पे है। तो उस पे कांटेक्ट करेंगे, अभी नंबर देखते हैं, बात करते हैं कहाँ पे है, कैसे है इधर से, और फिर वहाँ पे हम जाएंगे। बट अभी इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करना सही नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब है, ठंड लग रही है मुझे भी, बच्चों को भी, और बारिश हो रही है, तो यहाँ इतना वेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी टेम्प्रेरी के लिए हम लोग यहीं पर एक पास में ही छोटा सा होटल है यहाँ पर बात करते हैं अभी, और यहाँ पर अभी रात के लिए रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2:30 बज चुके हैं, और इतनी रात में वो होटल इधर उधर सर्च करना ज़्यादा सही नहीं है। तो अभी देखते हैं कोई टाइम पास, कह सकते हैं कि अभी हम जो कपड़े वगैरह हमारे भीग चुके हैं उसके अकॉर्डिंग होटल यहीं पे देख लेते हैं, और फिर कल हम लोग दूसरे होटल जाएंगे। तो ये आ गए हैं हम इस रूम में, और ये है, और ये बहुत बड़ा रूम नहीं है, थोड़ा छोटा सा है, बट अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि हमें रात रात में रुकना है, और अभी इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बस अभी सो जाना है, और सुबह उठ के देखेंगे कि हमें दूसरे होटल में जाना है और वो कहाँ है, कैसे है। वैसे उस होटल का पूरा पेपर बिलिंग लास्ट टाइम का मैं लेके आई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो लग नहीं रहे हैं, और मेरे साथ में वो ऐड है वो भैया जिनका वो होटल था, तो मैं उन्हें कॉल करूँगी, और उसके बाद में हम लोग उनके होटल शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं, हम करते हैं अभी रेस्ट, और मैं सुबह आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये था हमारा नोएडा टू दिल्ली का शिरडी का ट्रिप, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। सो इस वीडियो को मैं अभी बंद करती हूँ, और मैं मिलती हूँ एक और वीडियो में आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।